मुख्यमंत्री के खनन लीज मामले को लेकर चुनाव आयोग में सुनवाई पूरी हो चुकी है। फैसला कभी भी आ सकता है। संभावित फैसले पर पक्ष और विपक्ष सबकी निगाहें हैं। लिहाजा सूबे में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। यूपीए महागठबंधन के दल अपने विधायकों को एकजुट रखने की हर संभव कोशिश में जुट गए हैं। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को सत्तारूढ़ दलों के विधायकों की बैठक बुलाई है। झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बैठक को लेकर रणनीति का खुलासा तो नहीं किया, लेकिन कहा कि बैठक सुखाड़ को लेकर बुलाई गई है। देखिए, रविदास का बयान आया है कि उनके क्षेत्र के जो सुखाड़ की स्थिति है, उस वक्त में उनको साथ छोड़कर जाना उनको सही नहीं लगा। दूसरा सवाल है कि किस पार्टी का व्हिप आप लोगों ने पढ़ा है, मुझे तो नहीं मालूम। न कांग्रेस का पढ़ा है। अब सुनने में तो कौवा कान भी ले जाता है। दूसरी तरफ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि पूरी स्थिति पर पार्टी की नजर है, लेकिन इस पर वे अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। हालांकि झामुमो की राज्यसभा सदस्य महुआ माझी ने कहा कि बैठक विधायकों को एकजुट रखने को लेकर हो रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि महागठबंधन के सभी विधायक एकजुट हैं। उन्होंने ये भी कहा कि निलंबित तीनों विधायक भी अपने हैं। महागठबंधन के सभी दल आसन्न हालात को लेकर सतर्क हैं। चुनाव आयोग का फैसला यदि सरकार के प्रतिकूल आता है तो उससे उत्पन्न होने वाले हालात से कैसे निपटना होगा, इसे लेकर बैठक में चर्चा होगी। इसलिए सभी विधायकों को राज्य में बने रहने के लिए पहले ही हिदायतें दी जा चुकी हैं। शनिवार की बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा कांग्रेस विधायक दल के नेता अलवीर आलम, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। दलों के सांसदों के भी बैठक में शामिल होने की संभावना है। Hi everyone, my name is Sapna Kargatta. I'm from Ranchi, Jharkhand. My age is 16 years old. On the contested Miss and Mr. Teen India 2022, my hobbies is dancing and modeling and so proud feel for you. And अगर आप मुझे viewer choice बनाना चाहते हो तो so please type करें Ali Club space Sapna Kargatta 57575 पर send कीजिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।